का नवीन महानायक घोषित होगा, किंतु महानायक वही बनेगा इस सिंहासन तक पहुंचकर। कहीं असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें देख तो नहीं लिया? बचिए भैया। भैया, सावधान भैया। भैया यदि इसी प्रकार उलझे रहे तो हमारा महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो सकता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अरे ये विचित्र असुर क्या कर रहा है? ऊपर क्यों उछल गया ये? अरे बचो बचो, ये तो नीचे भी गिर रहा है। ओ, वो पशु मकरी तो असुरों के ऊपर ही जा गिरा। अब इन्हें कहीं हमारा भेद ना ज्ञात हो जाए। ये कैसे कैसे असुर चले आते हैं यहाँ? असुर सबूत बस गिरे तो गिरे ही रहो। भैया आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, मैं कुशल हूँ। यदि अवसर होता तो इन सभी को यही कुचल कर रख देता, किंतु अभी भी विलंब नहीं हुआ। भैया रुकिए, स्मरण रखिए, हमारे यहाँ पर आने का एक विशेष कारण है। अब चलिए सीढ़ियों के ऊपर। हाँ गणेश, मैं अपना उद्देश्य नहीं भूला हूँ। चलो चलते हैं। अब वही युक्ति मुझे पुनः अपनानी पड़ेगी, तभी इसके शिखर तक पहुंच पाऊंगा। प्रतीत होता है कि ये मदिरा का प्रभाव है, इसीलिए इस तरह उछल के गिर पड़ा है ये। तुम में से ही किसी ने मेरी पूछ पकड़ कर मुझे उछाला, कौन था वो? भैया संभाल कर। भैया बस कुछ और सीढ़ियां हैं। दुष्टो, कौन दुष्ट है? मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें मेरी पूंछ पकड़ने का दुस्साहस कैसे किया तुमने। भैया अभी एक लंबी छलांग लेनी होगी। अन्यथा नहीं होगा। इतना विशाल का असुर समूह। आपने देखा भैया? हाँ हाँ। और इनकी आसुरी प्रवृत्ति तो देखो गणेश, ये तो सदा लड़ने के लिए ही तैयार रहते। पर मेरी चिंता का कारण भी यही है गणेश, इतने सारे असुर एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, इनका प्रयोजन क्या है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हाँ भैया, किंतु हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। हम इन सीढ़ियों के अंत तक पहुँच ही रहे हैं, इसके पश्चात शीघ्र सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे। ये किसके पांव है? कौन है जो इन सीढ़ियों के शिखर पर स्थित हुआ है?
असुर गुरु शुक्राचार्य और यहाँ असुरों की ऐसी दुर्दशा तुम्हारे ही कारण है। असुर गुरु के कठोर शब्द किस पर लक्षित है? भैया शीघ्र छिप जाइए, कहीं असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें देख तो नहीं लिया। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। मुझे ऐसा आभास क्या हुआ कि जैसे कोई यहाँ था। यदि अभी तक असुर गुरु ने हमें नहीं देखा था तो अब तो अवश्य देख लेंगे। भैया सुरक्षित है हम, संभव है असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें देखा नहीं, अन्यथा संकट ही उत्पन्न हो जाता। असुरो रोको ये आपसे संघर्ष। असुर गुरु हमें रुकने का आदेश दे रहे हैं, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। रुक जाइए सब। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। मेरे शब्दों का प्रभाव हो रहा है असुरों पर और मैं यहाँ किसी को ढूंढने में लगा हूँ। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। नहीं नहीं, व्यर्थ है मेरी चिंता, ये समय चिंतित होने का नहीं। इस एकत्रित असुर समुदाय को संबोधित कर इन्हें एक नवीन प्रेरणा प्रदान करने का है। भैया चलिए और ऊंचाई पर चलते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। इस बार तो असुर गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि से बच गए हम, किंतु अब हमें किसी सुरक्षित स्थान पर स्थित होना चाहिए। कदाचित यहाँ छिपने के लिए ये मुकुट ही सबसे उपयुक्त स्थान है। प्रतीत होता है भैया मेरे ही भांति इस मुकुट के भीतर छिपने की युक्ति लगा रहे हैं। तुम्हारी आपसी फूट ही तुम असुरों के पतन का कारण है। हमारे पतन का कारण? सुनो सुनो क्या कह रहे हैं असुर गुरु। भैया शीघ्रता कीजिए। गणेश चलो यहाँ से आओ। पुनः ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे कोई और भी है यहाँ। नहीं और कोई नहीं, मात्र असुर समुदाय है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आपसी संघर्ष से असुर समुदाय का अंत करना चाहते हो तुम, वो मूर्खता तो तुम स्वयं ही कर सकते हो, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है। मैं चला ही जाता हूं यहां से। मत जाइए असुर गुरु। देखिए असुर गुरु, रोक दिया हमने अपना संघर्ष। जाइए असुर गुरु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मत जाइए असुर गुरु, हमें क्षमा कीजिए। मत जाइए असुर गुरु, मत जाइए। यहाँ से कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो सुनो, अब भी समय है, सुधर जाओ। वन में उगने वाली धूप को एक साधारण खरहा भी अपना ग्रास बना लेता है, किंतु वही धूप जब एक साथ मिलकर एक रस्सी का आकार ले लेती है तो उसकी संयुक्त शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो गजराज जैसे विशाल जीव को भी बांधने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए एक साथ आए धूप के समान एक हो जाओ, तभी होगी असुर शक्ति की जय। असुर शक्ति की जय हो, असुर शक्ति की जय हो, असुर शक्ति की जय करेंगे हम, हम जय करेंगे हम। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय, असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। स्मरण रहे, आज एक विशेष दिवस पर मैंने तुम सबको यहाँ एकत्रित किया है, क्योंकि आज का ये दिवस संसार के इतिहास पर
असुरों के नवीन उदय के आरंभ के दिवस के रूप में अंकित होगा। ये तो स्पष्ट हुआ कि गुरु शुक्राचार्य ने ही असुरों की इस महासभा का आयोजन किया है। आज के दिवस असुरों का नव जागरण होगा, असुर साम्राज्य की नींव रखी जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिशाली असुर समुदाय आज अपनी शक्ति पहचानेगा। और संसार को अपने अस्तित्व का उचित परिचय देगा। असुर नवजागरण होगा। असुर असुर आज असुर एकजुट होकर संसार के समक्ष अपनी एकता की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और संसार पर अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु प्रथम पग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज असुरों का नवीन महानायक घोषित होगा। जो निकट भविष्य में असुरों के विजय पताका को फहराने में उनका नेतृत्व करेगा। भैया, असुर गुरु शुक्राचार्य को कदाचित ये ज्ञात नहीं कि आज वो दिवस है जब असुर पुनः अपनी पराजय की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि अधर्मी दुराचारी असुरों की विजय तो असंभव है। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है गणेश, किंतु मेरी चिंता का कारण तो ये है कि असुर गुरु शुक्राचार्य से प्रेरणा पाकर ये असुर उन्हें कोई उपद्रव आरंभ न कर दे। अब एक स्वर में कहो, असुर शक्ति की जय हो, जय हो। असुर शक्ति की 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 जय हो। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। असुर शक्ति की जय होगी। असुर शक्ति की जय होगी। असुर शक्ति की जय होगी। भैया, मुझे तो अभी भी कुछ उचित प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ गणेश, हमें और भी ऊंचाई पर जाना होगा। हम जितनी ऊंचाई पर होंगे उतनी श्रेष्ठतर हमारी दृष्टि भी होगी। जय होगी, अवश्य होगी, किंतु किसी भी समुदाय की जय नायक रहित रहकर कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए आज मैंने आसुरी शक्ति परीक्षण का ऐसा आयोजन किया है जो सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली असुर योद्धा होगा वो हमारे समक्ष आकर असुरों का महानायक भी बनेगा। अनेक शक्तिशाली असुर योद्धा उपस्थित हैं, किंतु महानायक वही बनेगा जो सर्वप्रथम यहां स्थित इस सिंहासन तक पहुंचकर इस मुकुट को उठाने में सक्षम होगा। वही आभास हुआ मुझे
जैसे असुरों के सिवाय और भी है यहाँ, और ये भी कदाचित मुकुट भी डगमगाया था अपने स्थान पर। नहीं नहीं, आज इस असुर सभा में कोई अन्य आने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। मुकुट भी अपने स्थान पर स्थित है, कदाचित मुझे ही भ्रम हुआ था। और जो भी इस मुकुट को अपने हाथों में उठाएगा, उसे अपने शीश पर धारण करेगा, तुम उसे ही अपना महानायक स्वीकार कर उसी के दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ोगे। उचित है असुर गुरु, उचित है। आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार है। जो सर्वप्रथम मुकुट उठाएगा हमारा महानायक बनेगा। महानायक बनेगा, वही महानायक बनेगा, वही महानायक बनेगा। बधाई हो भैया। बधाई? किस बात की बधाई गणेश? आपने सुना नहीं भैया, असुर गुरु ने अभी अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी सर्वप्रथम इस सिंहासन तक पहुंचकर इस मुकुट को उठाएगा अर्थात इसे धारण करेगा, वो ही असुरों का नवीन महानायक होगा। हाँ भैया, तो इसके अनुसार हम ही हुए ना वो नवीन महानायक। गणेश, ये परिहास का समय नहीं है। और असुरों का महानायक बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो आओ ध्यान से देखते हैं कि यहाँ आगे क्या होने जा रहा है। आज विजयी तो मैं ही होऊंगा, इस स्पर्धा में मैं ही आगे रहूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे ही सब को पराजित करना है। महानायक बनना है मुझे, महानायक। कुछ भी हो विजयी तो मैं ही होऊंगा। महानायक बनना है मुझे, मैं बनूंगा महानायक। इस स्पर्धा के आरंभ की घोषणा करता हूं। स्पर्धा आरंभ हो। सर्वप्रथम सिंहासन तक मैं ही पहुंचूंगा, महानायक बनूंगा मैं। कोई नहीं रोक सकेगा आज, मेरी पूछ भी रोकेगी तुम सभी को। इस स्पर्धा में तो सबसे आगे हूं मैं। लघु काय हूं तो क्या हुआ, महानायक का पद और सिंहासन दोनों मेरे ही हैं। मेरी तो यही इच्छा है गणेश की इन सभी का अभी यही अंत कर दूं। न रहेंगी ये असुर और न होगा कोई इनका महानायक, न ही संसार को सहना होगा इनका आतंक। नहीं भैया, जब तक ये असुर कोई अपराध ना करे हम इन्हें दंडित नहीं कर सकते। हाँ भैया, और ये किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं होगा। किसी भी समुदाय के लिए अपना नायक चुनना तो कोई अपराध नहीं। स्मरण है ना भैया, जलंधर के नाश के पूर्व पिताश्री ने यही शिक्षा दी थी हमें। जब तक जलंधर सृष्टि के प्रति कोई बड़ा अपराध नहीं करता,
मैं उसे कैसे दंडित कर सकता हूँ? हाँ गणेश, मुझे पिताश्री की वो शिक्षा भलीभांति ज्ञात है, जिसके कारण ही यहाँ होकर भी इन असुरों का वध नहीं कर रहा हूँ मैं। कौन है ये दोस्त? किए बिना ही यहाँ रुके रहकर इन असुरों की भावी योजना ज्ञात करना ही उचित है। हाँ, ताकि हम देवताओं को सावधान कर सकें। हाँ गणेश, हमें यह ज्ञात करना ही होगा कि इनका महानायक कौन होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, महानायक चाहिए हमें, हमें महानायक चाहिए, महानायक चाहिए हमें। कदाचित इन दोनों असुरों में से ही कोई एक असुर महानायक होगा। जो भी आज इनका महानायक बनेगा गणेश, अवश्य वही देवताओं के लिए संकट बनेगा। नहीं, इतनी बार जिस आभास को मैंने अपना भ्रम समझकर नकार दिया, उसके पीछे कुछ तो सत्य है। मुझे यहाँ किसी और के होने का आभास हो रहा है। अवश्य कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है यहाँ। असुर गुरु तो हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं।
असुर गुरु ने मुकुट उठाकर हमें देख लिया तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी विचित्र भयंकर ध्वनि है। किस शक्ति का प्रभाव है? असुरों के अस्त्रों को उनके हाथों से कौन छीन रहा है? भैया, ये तो बहुत बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु ये हो कैसे रहा है? गणेश, मैंने भी पूर्व में ऐसा विचित्र दृश्य कभी नहीं देखा। हाँ भैया, ये मैंने भी नहीं देखा है कभी। अद्भुत, व्यर्थ आयोजन किया आपने स्पर्धा का, क्योंकि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो उचित तो यही होता कि आप स्वयं आकर इस मुकुट को हमारे शीश पर स्थापित करते और इन असुरों का महानायक घोषित करते। धूम्रलोचन, कदाचित तुमने मेरे नियम का उचित प्रकार से श्रवण नहीं किया। महानायक तो वही होगा जो सर्वप्रथम इस सिंहासन तक पहुंचकर मुकुट को धारण करेगा, वो नहीं जो मात्र विशाल काय हो, आकाश में स्थित हो, वो नहीं जो अन्य सभी असुरों के अस्त्र शस्त्र उठाकर आकाश में स्थित कर दे। नियमों का पालन क्या कहा है किसी असुर ने? मेरा नियम भी तुम्हारे लिए स्थिर है धूम्रलोचन। अन्य असुरों को पीछे छोड़कर यहां पहुंचो और स्वयं को महानायक घोषित करो। कहो, है तुम में इतना सामर्थ्य? जी
सामर्थ्य है, पूर्ण सामर्थ्य है, और इसका प्रमाण आपके समक्ष है। इन सभी असुरों में और मुझ में यही एक भेद है कि असुर अपने अस्त्रों से एक दूसरे को परास्त करने की होड़ में थे, किंतु मैं इन्हें परास्त करूंगा इन्हें के अस्त्रों से। ये हमारे असुरों से हमें परास्त करेगा। ये असुर करने क्या जा रहा है भैया? ये हमें भी शीघ्र ही ज्ञात होगा, क्योंकि इसे जो भी करना है उसमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करेगा। ये सहायक असुर सैनिक प्रकट कर रहा है। हमारे अस्त्र इसके सैनिक बन गए, अब हम क्या करेंगे? ये शिलाएं और शिलाखंड ये ऊपर की ओर क्यों जा रहे हैं? इसका क्या करेंगे ये सैनिक? असाधारण है इसकी शक्ति, जिससे इसने अपने लिए सेना का निर्माण कर लिया और उसको अस्त्र भी दे दिए। असुर गुरु, मेरी सेना प्रस्तुत है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं आरंभ करूं। नष्ट कर दो इन असुरों को, नष्ट कर दो इन असुरों को। मैं क्या करूं अब? कैसे करूं इस दुष्ट का सामना? मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। कैसी स्पर्धा है ये भैया? सिंहासन के लिए ये असुर अपने ही समुदाय के रक्तपात से भी नहीं इचकते। इसीलिए तो यही इनका अंत करना चाहता था मैं, किंतु मर्यादा से बंधा हूं इसीलिए विवश हूं मैं। उचित है, मेरे सैनिकों के सिवाय कोई शेष नहीं है। गुरु शुक्राचार्य, मैंने कहा था ना, ये स्पर्धा व्यर्थ है। कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे, कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। सर्वशक्तिशाली धूम्रलोचन की जय, सर्वशक्तिशाली धूम्रलोचन की जय। ये तो वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है भैया।
अपनी सेना स्वयं उत्पन्न कर लेता है ये, वो भी निर्जीव शिलाखंडों और अस्त्रों से। अब इस मुकुट पर मेरा अधिकार होगा। ये कैसी गड़गड़ाहट है? और कुछ नहीं, मात्र मेघ है आकाश में, तो मेरे रुकने का कोई औचित्य नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या ये कोई अन्य शक्तिशाली असुर है जिसने इस धूम्रलोचन को भी रोक दिया? किसने उत्पन्न की ये विद्युत रेखा? किसका दुस्साहस है ये? कौन उत्पन्न कर रहा है ये मेघ और विद्युत? भैया, इन दोनों असुरों को तो मेघों और बवंडरों के देवता देवराज इंद्र की सेना में होना चाहिए था। कौन है ये दोनों जो मुझे धूम्रलोचन को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं हूँ चंड। और असुर गुरु, मेरा भी परिचय प्राप्त कीजिए, मैं हूं मुंड। चंड और मुंड, अद्भुत है इन दोनों की शक्ति। जो भी हो तुम दोनों, अपनी विद्युत के साथ चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, हमने तो सुना था यहाँ असुरों के महानायक के चुनाव की स्पर्धा हो रही है। फिर तो हम उचित स्थान पर हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारा ही कार्य है। तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों ही भ्रष्ट हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें, सभी असुरों का संहार कर चुका हूँ मैं, और यहाँ सिंहासन तक पहुँचने वाली सीढ़ियों तक आकर खड़ा हूँ। इसलिए मैं ही हूँ नवीन असुर महानायक। चले जाओ यहाँ से। धूम्रलोचन, अन्य असुरों का संहार करने मात्र से तुम इस स्पर्धा में विजयी नहीं हुए। मत भूलो, इस सिंहासन तक पहुंचकर इस मुकुट को अपने शीश पर धारण करने के पश्चात ही तुम विजयी होगे। नवीन असुर महानायक घोषित हो गए। ये क्या असुर गुरु शुक्राचार्य, थोड़ी सी योग्यता परख कर स्पर्धा में प्रवेश देना चाहिए था। ऐसे ही किसी भी तुच्छ असुर को कैसे अवसर प्रदान कर देते हैं आप? बातों के ही धनी हो, या कोई और योग्यता है तुम दोनों में? विद्युत प्रदर्शन के बल पर कोई महानायक नहीं बन जाता मूर्ख। कदाचित अब हमें अपनी शक्ति का परिचय इस मूर्ख को देना ही चाहिए।
विद्युत शक्ति पर नियंत्रण है इसका। इस प्रचंड शक्ति से क्या करेगा ये? हमारी विद्युत शक्ति इसके आर पार हो रही है। इसे क्षति पहुंचाए बिना ये कैसे संभव है भ्राता? धूम्रलोचन नाम है मेरा। धूम्र हूं मैं, धूम्र। और धूम्र को विद्युत कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। धूम्रलोचन हूँ मैं, धूम्र। मूर्खों, मुझे पछाड़ना इतना सरल नहीं। आ रहा हूँ मैं। ये कौन है जिसने इन तीनों को गिरा दिया? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने इन शक्तिशाली असुरों को ही धूल धूसरित कर दिया? तो क्या इनसे भी अधिक कोई शक्तिशाली असुर प्रकट होकर इस स्पर्धा में भाग लेने वाला है? किंतु कौन हो सकता है वो? प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतियोगियों की क्षमता का प्रदर्शन मात्र नहीं होता, अपितु उनके भीतर स्वस्थ भावना जागृत करना होता है। इसीलिए प्रतियोगिता सदैव जन कल्याण की भावना से करना चाहिए। जो मुझसे उत्पन्न होते हैं उनके रक्त से भी मेरे ही प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।